हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आप भी इस प्रकार का ग्लो लिरिक्स स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हैं नोट वीडियो और लाइट मोशन को यूज करके, तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। तो गाइस, आज का वीडियो में XML फाइल नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो गाइस, अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ऑल मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, आपको इस प्रकार वीडियो बनाने के सिंपली लाइट मोशन को ओपन करना हो, प्लस पे टाइप कीजिए 4:5 का रेशियो चले के 1080p 30fps कलर ब्लैक क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए। उसके प्लस पे टाइप कीजिए, उसके बाद सॉन्ग ऐड कर लीजिए। सॉन्ग हम ऐड कर देते हैं जो भी सॉन्ग पे बनाना चाहते हैं। तो ये रहा सॉन्ग, इसको ऐड करते हैं। इस कोने से टाइप करते हैं जो डॉट है, इस पर टाइप कीजिए, स्ट्रेक कीजिए, वीडियो डिलीट कर दीजिए। वीडियो डिलीट करने के बाद आपको लिरिक्स लिखना, तो लिरिक्स मेरा यहाँ तक आ रहा है तो हम सुन लेते हैं लिरिक्स। तो लिरिक्स यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ पे हम प्लस आइकन देते हैं, फर्स्ट लिरिक्स लिखते हैं। तो प्लस पे टाइप कर टेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद आपको लिरिक्स लिख लेना, तो लिरिक्स लिख लीजिए। तो उसके बाद आपको ये फाउंड का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ये वाला फाउंड का नाम ये है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो उसको आपको ओपन कर लेना। उसके बाद साइज पे जाइए, तो साइज हल्का बढ़ा देते हैं, इसको बीचों बीच रख लीजिए। बीच इस पर टाइप कीजिएगा कोने साइड जो है, तो उसको बीचों बीच रख लीजिएगा, कलर नहीं छेड़ना है। उसके बाद आपको आप इफेक्ट पे जाइए, एड इफेक्ट पे जाइए, तो यहाँ पे आपको बैंड नाम का इफेक्ट होगा, तो ये रहा बैंड, इसको सेलेक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाते हैं, उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। सीधा यहाँ राइट है, लेफ्ट है, टॉप है, तो टॉप में आपको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद स्टार्टिंग में एक की दीजिए, उसके बाद स्टार से दूर हट के की, बीच में एक की दीजिए, उसके बाद एन में एक की दीजिए। एन में की देने के बाद आपको -180° कर देना है। तो उसके बाद आपको एंड में आ जाना, स्टार्टिंग में आ जाना है, उसके बाद इसको +180° कर देना है। तो हो गया, उसमें आपको कर्व देना है, तो कर्व कुछ ऐसे देना है, ऐसे दीजिए। उसके बाद नीचे भी कर्व ऐसे दीजिए, तो हम ऐसे देते हैं कर्व। हो गया, ये इफेक्ट लग गया है। तो उसके बाद इसको स्ट्रिप नाम का एक इफेक्ट ऐड करना होगा, तो इस पर टाइप कीजिए, एड इफेक्ट पर जाइए, इफेक्ट फिर से आपको स्ट्रिप नाम का इफेक्ट होगा, इसको प्रोड्यूज में मिलेगा। तो इसको स्ट्रिप नाम का इफेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करते हैं, उसके इसको ओपन करते हैं, काउंट को माइनस, उसके बाद एंगल है तो एंगल का आपको 90° रख दीजिएगा एंगल को। उसके बाद फेज पे आ जाना, फेज पे स्टार्टिंग में की और बीच में एक की दीजिए, उसके बाद बीच से थोड़ा हल्का हट के एक की दीजिए। उसके बाद आपको फेज को स्टार्टिंग में जो की दिए थे तो उसको हम बढ़ा देते हैं, बढ़ा नहीं है तो उसको आपको सीधा सेकेंड जो की दिए थे उस पे आना है, तो उसको आपको 0.76 रख लीजिए, कितना रखते हैं। उसके बाद ये जो की है थर्ड की जो दिए थे उसको 0 कर लेना और स्टार्टिंग की बार 0 कर लेना। सिंपली आपको कलर को चेंज कर लीजिए, तो हम कलर ये सेलेक्ट करते हैं स्काई ब्लू, इसको गढ़ापन कर दिए। उसके बाद आपको हो गया ये कलर, तो उसके बाद सीधा बैक आ जाइए, आपका इफेक्ट लग गया है। तो इफेक्ट लग जाने के बाद आपको मोहन ट्रांसफॉर्म में जाइए, उसके बाद स्टार्टिंग में की दीजिए, उसके बाद बीच से एक की दीजिए, उसके बाद एन में की दीजिए। एन में की देने के बाद इसको इतना कर देते हैं, जो रेड कलर का लाइन है इससे आप बाहर नहीं दीजिएगा, तो यहाँ पे रख दीजिए इस साइड की ओर, लेफ्ट राइट साइड कर दीजिए। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, इसको भी इस तरह राइट साइड कर देना है, तो की प्रेसेट कर दिए, ये रेड लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये दोनों की के बीच में आना है, कर देना है, कर कुछ ऐसे दीजिए। उसके बाद इसको भी कर नीचे कर देते हैं, तो ये हो गया कंप्लीट, आपका इफेक्ट ऐसे इस तरह से लगेगा, तो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको ये सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए इसको कॉपी कीजिए, उसको पेस्ट कर दीजिए, इसी तरह से लिख लीजिएगा। जो सेकंड बीच में जो मैं लिरिक्स यूज किया था, मतलब लगाए थे, उसको कैसे हम बनाया था, तो एटैक्स पे जाते हैं, उसको हम सेलेक्ट करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं फिलहाल अभी आपको बताने के लिए। ये नाम का फॉन्ट हम चूज किया था, इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अब इसमें भी आपको सिंपली इसका जो स्ट्रिप है इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद इसका जो इसमें पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, स्ट्रिप हो गया।
उसके बाद एक मोशन ब्लर इसमें सेलेक्ट करेंगे, तो मोशन ब्लर ब्लर में जाइए, मोशन ब्लर होगा इसको सेलेक्ट कीजिए, उसको सेलेक्ट करिए स्टैंडर्ड सेटिंग पे। उसके बाद आपको इसको आ जाना है। सो फ्रेंड्स सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली लिरिक्स पे टैप कीजिए, मोहन ट्रांसफॉर्म में जाइए, उसके बाद स्टार्टिंग में साइज वाले ऑप्शन पे जाइए, उसके बाद आपको स्टार्टिंग में की दे दीजिए, उसके बाद एंड में की दे दीजिए, एंड में की दीजिए उसको हम कुछ माइनस करते हैं, और उसके बाद स्टार्टिंग वाला की पे आ जाते हैं, इसको कुछ बढ़ा देते हैं, और उसके बाद आपको ये इसमें कर्व देना है, तो कर्व इसे नीचे की ओर कर दीजिए, तो कर्व दे दीजिए, इस की को एंड में कर दीजिए। उसके बाद इसमें आपको ये बीचों बीच नहीं आया है, इसको हम इस पर बीचों बीच कर लेते हैं कुछ ऐसे। उसके बाद हो गया ये कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। उसका वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए, शेयर वाले पे जाइए, लिरिक्स लिख लेना है, उसके बाद एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट हम करके रखे हैं तो नहीं करेंगे, तो चलते हैं नोट वीडियो को ओपन करते हैं। नोट वीडियो ओपन होने के बाद आपको न्यू पे टैप कीजिए, आपको सिंपली ये जो 16:9 है उस पर सेलेक्ट कीजिए, कस्टम पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको 1080 लिख दीजिए, उसके बाद 1350 यहाँ लिख दीजिए सेकेंड में। उसके बाद आपको यहाँ पे एक वीडियो ऐड कर लेना, जो वीडियो आप एलाइट मोशन से बनाए थे उसको ऐड कर लीजिए, तो हम ऐड कर लेते हैं, ये रहा वीडियो, इसको ऐड करते हैं। उसके बाद ऐड पे जाते हैं, उसके यहाँ पे ग्लो लिखते हैं, GL लिखते हैं ग्लो, सब फर्स्ट नंबर इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कलर है, कलर चेंज कर देंगे, कलर चेंज करने के बाद आपको ये कलर हम लेते हैं इंटरसिटी है, इसको बढ़ा देने के बाद आपको सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, तो एक्सपोर्ट कर लीजिए, यहाँ पे तीर वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे रेड कलर का जो आइकन है इस पर क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट होना चालू हो जाए। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए